ये हैं हमारे देश के नेता, तीन अलग अलग दलों के नेता, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, कोई किसी की बात समझने को तैयार नहीं, सब अपनी अपनी बातों पर कायम, गुत्थम गुत्था। दर्शक समझे तो समझे क्या, कौन क्या बोल रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें आपकी भी परेशानी का अंदाजा है। हम एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये मुमकिन है कि तीनों नेता एक एक करके बात करें। बागेश जी, रामकृपाल जी, प्रभा जी, आप मेरी बात सुन रही हैं, मैं चाहूंगा एक एक करके अपनी बात आप रखें। अब गाँव के लोग समझते नहीं है, वो आपसे मुझसे ज्यादा समझते हैं प्रभा जी, ये इस भाषा का अर्थ वो खूब समझते हैं। मैडम प्रभा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल महाराष्ट्र के लोग कांग्रेस के सारे बागी जी, प्रभा जी, रामकृपाल जी, लुजपूर्ण अवस्था से नहीं चलने वाला है, आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रभा मैडम, बागी जी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, कार्रवाई कब करिएगा, अभी कपड़ों के भी पूरा देश कांग्रेस की नीति को समझ चुका है, कांग्रेस ने जो विश्व बागी जी, अगर आप लोग चुप नहीं होंगे तो हम ऑडियो डाउन कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि दर्शक भी समझें कि आप क्या बात कर रहे हैं। कांग्रेस की वजह से ही हमेशा महाराष्ट्र की अवहेलना हुई, नेहरू ने कभी महाराष्ट्र को। बागेश जी, रामकृपाल जी, प्रभा जी, माफ करें, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक एक करके अपनी बात करें। बागेश जी, प्रभा जी, रामकृपाल जी, एक एक करके बात करें, अगर चुप हो तो मैं सवाल पूछूं। कांग्रेस ने ही हाशिए पर किया, आज बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस करती है, वोट बटेरती है, अरे बताओ तो सही, बाबा साहब अंबेडकर के साथ क्या न्याय किया था एक चुनाव तक, बाबा साहब अंबेडकर बागेश जी, क्या आप ये तय करके आए हैं कि मैं बोलता रहूंगा, किसी को बोलने नहीं दूंगा, किसी की सुनूंगा नहीं? बागेश जी, क्या आज MNS का एजेंडा ये है, नेताओं को ये कहकर भेजा गया है कि जहां भी जाओ लगातार बोलते रहो, किसी की ना सुनो? बागेश जी, और महाराष्ट्र के सामने अंजुम जी, महाराष्ट्र के लोगों के सामने नहीं, पूरे देश के सामने कांग्रेस नंगी हो चुकी है, कांग्रेस के कपड़े उतर चुके हैं। बागेश जी अपनी भाषा का ख्याल रखें। बागेश जी, आप एक चैनल पर डिबेट में हैं, आप अपनी भाषा का थोड़ा संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, संयमित भाषा में बात करें। सवाल ये नहीं है कि किसके कपड़े उतर चुके, कौन नंगा हो चुका, हम राजनीतिक मर्यादा में रहकर अगर बात करें, हालांकि मर्यादा की बात करना आपके साथ बेमानी है, क्योंकि आप किसी की सुन रहे नहीं है, किसी को बोलने दे नहीं रहे। बागेश जी, पूरे 62 साल से देश बेवकूफ बन रहा है, अब देश समझ चुका है कि कांग्रेस अब इससे ज्यादा बेवकूफ नहीं बना पाएगी। बागेश जी हम कांग्रेस या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता आपको सपोर्ट करती तो विधानसभा चुनाव में आपका वो हश्र 12 सीटों तक नहीं रहता। जनता 148 सीटों पर चुनाव लड़े, सिर्फ 11-12 सीटों पर जीते, तो इसका मतलब महाराष्ट्र की जनता ने कोई आपको इंडोर्स करके पूरे महाराष्ट्र का नुमाइंदा चुन के नहीं भेजा है। बागेश जी, हम कहां कह रहे हैं कि हम पूरे महाराष्ट्र के नुमाइंदे हैं, हम तो बार बार एक ही बात, प्रभा ठाकुर जी अभी बहुत महत्वपूर्ण बात है उसको सुनिए, हम तो एक ही बात कर रहे हैं कि ये कांग्रेस, शिवसेना, NCP सारे दल हमारे साथ आए और महाराष्ट्र के मुद्दे पर, मराठी के मुद्दे पर हम सब लोग एक होकर के महाराष्ट्र के विकास के लिए रास्ता निकालें। अरे आप आओ तो सही, राज ठाकरे जी ने कल के अपने भाषण में ये आह्वान किया था, लेकिन किसी भी चैनल ने इस आह्वान को नहीं दिखाया। मैं प्रभा ठाकुर जी से पूछता हूं, क्या महाराष्ट्र के हित के लिए, मराठी के हित के लिए आप आएंगे हमारे साथ में? क्या ये रामकृपाल यादव जी आएंगे हमारे साथ में? नहीं, सिर्फ राजनीति करने आएंगे, सिर्फ वोट मांगने आएंगे, हमें वोट नहीं चाहिए, अगर जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी। बागेश जी अब आपने सवाल पूछ लिया, अब आप जवाब देने दीजिए प्रभा जी को और रामकृपाल जी को। बागेश जी, आपने सवाल पूछा, अब आप जवाब देने दीजिए प्रभा ठाकुर को, रामकृपाल जी को। प्रभा जी, आप बताइए, बहुत उनके प्रति आप अपनी जो भावना दिखा रहे हैं, मुझे ये तो बताइए, आप महान वीर लोग, शिवसेना के बड़े बड़े महावीर, आप उस समय कहाँ चले गए थे? आप उस समय श्री हेमंत करकरे के साथ और उन जवानों के साथ क्यों नहीं थे वहाँ मुंबई में उनकी मदद करने के लिए? आप में से तब कोई एक चूं शब्द नहीं बोला था, याद है आपको? यही प्रेम है आपका मुंबई वासियों के प्रति, यही प्रेम है आपका महाराष्ट्र वासियों के प्रति।
आप भी कांग्रेस की हैं, ताज के हमले के वक्त क्या आपके कांग्रेसी वहां हमला करने गए थे? क्या राजनीतिक पार्टी का काम अंदर जाके हमला करना होता है? एनएसजी, पुलिस फोर्स, सुरक्षा गार्ड, मिलिट्री बनाई किस लिए है? देश के ये इतने बड़े बड़े संस्थान बनाए किस लिए है? आप कांग्रेस की नेता है, मैं आपसे पूछता हूँ, देश पे हमला हुआ था, आप उस वक्त कहाँ थी? क्या आप हमला करने के लिए ताज होटल में मौजूद थी? आप बेवजह की बात कर रही हैं, देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। क्या ताज के हमले में आप लड़ने के लिए गई थी, या आपका कौन सा कांग्रेस का नेता गया था? तो एक कांग्रेस का नेता बताइए, आप मुझे कांग्रेस का एक नेता बताइए कि आपका कौन सा नेता ताज के हमले में गया? आप बेवजह का तर्क देखिए, बागीश जी, प्रभाजी, बागीश हिजड़ा तुम लोग नहीं, रामकृपाल जी माफ करें, आपकी आवाज को हम यहाँ डाउन कर रहे हैं साउंड को, क्योंकि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत एक चैनल पर नहीं दे सकते। आप भी अपनी संसदीय मर्यादा, अपनी भाषा के मर्यादा को खो रहे हैं। अगर आपको राज ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की भाषा का इस्तेमाल आप भी करेंगे तो उसके लिए गुनाहगार आप भी होंगे। मेरे ख्याल से कम भाषा के स्तर पर रामकृपाल जी हम आपसे उम्मीद नहीं करेंगे कि आप एक चैनल पर अपनी भाषा की गरिमा को खो दें। रामकृपाल जी, मैं अगर मेरे शब्दों से ठेस लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उस व्यक्तित्व को सामने रखकर करता हूं जहां इस तरह की बातें नहीं कर जाती है। मैं जिस शब्दों का उपयोग मनसा के प्रवक्ता कर रहे हैं उन पर भी आपको नियंत्रण करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, लेकिन कह रहा था कभी हाल में महाराष्ट्र में जो घटना घटी है वो निश्चित तौर पर कार्टून तरीका से घटना, जिसने भी घटना ने काम किया है उसमें उत्तर भारत के काफी लोग सिपाही के रूप में शहादत देने का काम किया था। और पूरा भारत एक है और पूरा भारत की तरक्की हो, पूरा भारत की अमन चैन रहे, शांति रहे, इसके पक्षधर हूं। कोई संविधान के खिलाफ कार्रवाई करने वाला ताकत है उसके खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना और बाल ठाकरे और मनसा के लोग उत्पाद मचाने का काम कर रहे हैं, ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। आज पूरा देश समस्या से जूझ रहा है, उन समस्याओं की तरफ हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। जी रामकृपाल जी, अपनी बात आपने पूरी रखी, अब हम आपसे, रामकृपाल जी अब आप चुप रहे हैं तो मैं एक सवाल बागीश जी से पूछूं, क्योंकि एक घंटे की इस बहस में पहली बार ऐसा हुआ है कि दो लोग चुप हैं, आपने अपनी बात रखी। बागीश जी, रामकृपाल जी शांति की बात कर रहे हैं, शांति से कोई रिश्ता आपका है क्या? आप शांति में या इस तरह की बातों में कुछ यकीन रखते हैं या सिर्फ आग लगाने वाली राजनीति करना चाहते हैं? अंजुम जी, हम शुरुआत हमेशा शांति से करते हैं, पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर जिसको जो भाषा आती है फिर हम उस भाषा पे उतर आते हैं। एक बात मैं अभी कहना चाहता हूँ, रामकृपाल जी ने एक बात कही, ये बार बार देश की बात करते हैं, ये एनएसजी की बात करते हैं, लेकिन एनएसजी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में ये प्रांतवाद लेके आते हैं। प्रांतवाद शुरुआत कौन करता है? एनएसजी को क्या किसी प्रांत से पहचाना जाता है? एनएसजी क्या सिर्फ उत्तर भारत की संस्था है? एनएसजी का काम क्या सिर्फ उत्तर भारत की सेवा करना है या उसकी सुरक्षा करना है? अगर रामकृपाल यादव जी एनएसजी की बात करते हैं या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एनएसजी की बात करते हैं तो उन्हें इस बात का, इस गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि एनएसजी की जिम्मेदारी पूरे देश की जिम्मेदारी है। एनएसजी ने अगर ताज होटल पे हमलावरों के साथ मुकाबला किया था, मैं इसका जवाब चाहूंगा कि प्रभाजी इसका जवाब दें। बागीश जी आपने अपनी बात रखी, मैं चाहूंगा प्रभाजी इसका जवाब दें। प्रभाजी आप जवाब दें, क्योंकि विवाद राहुल गांधी के उस बयान से भी हुआ जहां राहुल गांधी ने जो एनएसजी में जो लोग मारे गए, जो शहीद हुए, उनकी बात की, विवाद वहां से भी हुआ। क्या कहेंगी प्रभाजी आप? नहीं, उसमें विवाद की कौन सी बात थी? राहुल जी जो बात कहते हैं मन की ईमानदारी के साथ कहते हैं।